आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। इस वक्त एक खास खबर आ रही है बस्सी से, जहां बस्सी के मास्को कस्बे स्थित रेस वालों की ढाणी में करीब 6 महीने से हैंडपंप खराब पड़ा है और उसकी सुध किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने नहीं ली है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि हमने कई बार पंचायत प्रशासन और जलदाय विभाग तक को सूचित कर दिया है, लेकिन आज तक हैंडपंप को सुधारने के लिए कोई नहीं आया। प्रशासन की इस अनदेखी के चलते मोहल्ले वाले काफी क्षुब्ध हो चुके हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर बीसलपुर का पानी भी 3 दिन में मात्र एक बार आता है, जिससे पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, जबकि इस मोहल्ले में करीब 150 लोग रहते हैं। पानी की समस्या होने के कारण मोहल्ले वासियों को दर बदर पानी के लिए भटकना पड़ता है। मास्को कस्बे के रेस वालों की ढाणी बेरवा की ढाणी में हैंडपंप खराब होने से मोहल्ले वासी काफी परेशान है। इस दौरान महिलाएं हैंडपंप पे प्रदर्शन करते हुए नजर आईं। इन महिलाओं का कहना था कि पानी की समस्या के कारण हमें इधर उधर भटकना पड़ता है, जबकि पानी सबकी मूलभूत आवश्यकता है, सबको पानी तो मिलना ही चाहिए। दूसरी ओर जलदाय विभाग के अधिकारी राकेश मीणा का कहना है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, यदि ऐसी समस्या है तो जल्द ही हैंडपंप को सुधरवा दिया जाएगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।